हे गाइस, आईएनडीएसओ इज हियर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नूसा मैप की टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। काफी ज्यादा अमेजिंग न्यू लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लिटरली आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। तो गाइस यार, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भाई यार वीडियो को शेयर कर दो। चलो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नंबर वन के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये जो बिल्डिंग देखने को मिली इसके ऊपर चढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं है। मैं आप लोगों को एक सीक्रेट रास्ता बताऊंगा इस वाली लोकेशन के ऊपर, ठीक है, नूसा मैप के अंदर। तो यार मैं आप लोगों को चल के पहले दिखा देता हूँ। देखो यार, इस बिल्डिंग के ऊपर है ना कोई भी रास्ता नहीं है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। भाई यार ये देख लो भाई, यहाँ पे जिम का सामान लेकिन कोई रास्ता नहीं, ठीक है। इधर रूम में भी देख लो, किधर भी कोई रास्ता नहीं है। अब यार आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे बालकनी है तो बालकनी में कोई रास्ता होगा, लेकिन भाई कहीं पे भी नहीं, ठीक है। तो आपका भाई एक सीक्रेट रास्ता बताएगा। तो यार देखो यार, ये ट्रिक करने के लिए ना आप लोगों को सिंपल से, आप लोग नॉर्मल ऊपर आओगे तो आते ही आपको यहाँ पे देखो ये विंडो देखने मिलेगा। आपको जंप करके यहाँ पे कुछ इस तरह से जॉयस्टिक को इसे एडजस्ट करके ये जो विंडो की तरफ चले जाना होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बैठो, क्राउच कर लेना और सामने देखो छतरी देखने को मिलती, छतरी के ऊपर जंप लगा देने का, फिर यहाँ से एक और जंप लगा देने का और यहाँ से एक और जंप लगा दे, बूम गाइस यार आप लोग इसके ऊपर आ जाओगे। अब इसमें टॉप पे जाने का रास्ता भी बताऊंगा, लेकिन यार देखो यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पे चारों तरफ से आप लोगों को कवर देखने को मिलेगा और दूर दूर का कोई भी बंदा आप लोगों को लिटरली नहीं मार पाएगा। और भाई अगर आप लोग चाहो तो इधर से अगर स्कोप है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आराम से किल चुरा सकते हो साइंस सेंटर की तरफ से, ठीक है। अब भाई अगर मान लो आप इसके ऊपर जाना चाहते हो, ठीक है, तो नॉर्मल ऐसे नहीं जा सकते, तो आपको ये बाउंड्री के ऊपर खड़े होकर यहाँ पे सिंपल सा लेस ग्रिप करना है और काफी ज्यादा इजीली तरीके से आप लोग इसके ऊपर आ जाओगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, लिटरली भाई यार इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं। भाई तो यार आप लोग रिकॉल करके आ सकते हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं यार, ठीक है, आपको बस ऊंची ही मिलेगा। नंबर टू के अंदर यार काफी ज्यादा अमेजिंग फनी ग्लिच है, जो कि भाई यार आप लोग पूरे ये जो मैप है ना भाई यार नूसा मैप, उसके अंडरग्राउंड जा सकते हो। अब भाई देखो, जैसे ही नूसा मैप स्टार्ट करो ना मैच, ठीक है, तो ध्यान से देखना, जैसे ही मैच स्टार्ट करो लोबी के अंदर एंटर होती फटाफट नोटिफिकेशन बाहर खींचना और अपना डाटा ऑफ कर देना, चाहे वाईफाई हो कुछ भी हो, ठीक है। जैसे आप लोग ऑफ करोगे तो भाई यार आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, भाई यार आप लोग है ना नूसा मैप की जो लॉबी वेटिंग लॉबी है भाई यार उसके अंडरग्राउंड आ जाओगे। और भाई ये नूसा मैप ही है। अब भाई देखो, जैसे यहाँ पे ओके का ऑप्शन आए तो ओके दे देना, लेकिन हाँ यार आपको पता है इस मैप के अंदर अंडरग्राउंड कोई नहीं गया अभी तक। मैं फर्स्ट ऐसा आदमी हूँ भाई यार जो भाई यार यहाँ पर इसके अंडरग्राउंड गया है, ठीक है भैया, नूसा मैप के। भले ही ये ग्लिच किसी काम का नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई सबसे पहले नूसा मैप के अंडरग्राउंड गया। कैसा लगा ये ग्लिच मेरे को जरूर से बताना भैया। आप लोग कुछ इस तरह से घूम सकते हो फनी वे में। और हाँ, वापस मैं बताऊंगा आप लोगों को, टेंशन मतलब ये वीडियो पूरा देखना है, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ ये ट्रिक में क्या, देखो अब आप जितना चाहोगे उतना घूम बोलोगे, ठीक है। अब जैसे ये नोटिफिकेशन आए ना, तब नोटिफिकेशन बाहर खींचना और डाटा ऑन कर लेना, ठीक है। अब जैसे ही देखो ऑटोमेटिक नेट कनेक्ट होएगा और आप लोग भाई यार प्लेन के अंदर बैठे रहोगे, ठीक है, तो आपका कोई भी नुकसान नहीं है। फनी ग्लिच एक बार जरूर ट्राई करना। पॉइंट नंबर थ्री के अंदर भाई यार मैं आप लोगों को बताने वाले, ये जो घर है इस घर के ऊपर चढ़ के आप लोग साइंस सेंटर के किल आराम से चुरा सकते हो। इस वाली लोकेशन के ऊपर आप लोग देख सकते हो। तो यार आप लोगों को ये जो है ना एटीवी जो मोटरसाइकिल आई है न्यू नूसा मैप के अंदर, आपको लेके यहाँ से बिल्कुल एक्जैक्टली सामने की तरफ लेके जाके सीधा का सीधा यहाँ से जंप करा लेने का। अब भाई आप लोग सीधा का सीधा इस हाउस के ऊपर आ जाओगे। अब भाई जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, काफी ज्यादा अमेजिंग लोकेशन है। अब भाई यहाँ से चारों तरफ का एंगल मिल जाता है। अब भाई देखो, ऐसे ही अगर आप लोग बाइक कवर में लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो बाइक को इधर उधर करके भाई यार, ठीक है। और भाई मेन बात क्या पता आपको, ये जो साइंस सेंटर है भाई यार, यहाँ से आराम से अगर आपके पास अच्छा खासा स्कोप है तो किल चुरा सकते हो। पॉइंट नंबर फोर के अंदर आप लोगों को ये बाइक जो है ना भाई एटीवी बाइक भगाते हुए लेके आ जाना होगा बिल्कुल कुछ इस तरह से, और यहाँ से जंप लगाते एग्जिट कर लेना होगा इस घर के ऊपर, ठीक है। अब आपको पता है ये जो घर है भाई यार, ये साइंस सेंटर के बिल्कुल सामने है, जो लोकेशन है साइंस सेंटर के ऊपर ही है, ठीक है। तो वही यार यहाँ पे आने के बाद आप लोग अच्छे खासे साइंस सेंटर की जो बिल्डिंग है मेन बिल्डिंग भाई यार, उसके अंदर से आप लोग किल चुरा सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भाई यार मैं रहते काफी ज्यादा अच्छे खासे किल चुरा रहा हूँ। तो यार काफी ज्यादा इजी तरीके यार ये भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगी। और भाई अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना यार। पॉइंट नंबर फाइव के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ये जो बिल्डिंग है इसकी लोकेशन के ऊपर यहाँ पे जैसे कि देख ही सकते हो, इसके टॉप पे कैसे जा सकते हो आप लोग। तो यार चलो मैं आप लोगों को पहले सबसे पहले टॉप फ्लोर पे जाके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपकी इसकी छत पे जाके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो जैसे ही आप लोग यहाँ पे आ जाओ, ये जो गेट देखने को मिलेगा, इस गेट के सामने खड़े होकर यहाँ पे आपको जंप स्पैम करना चार पांच बार, ठीक है। जैसे ही चार पांच बार जंप स्पैम करोगे भाई यार, एक बार लेस ग्रैब करके डोर के ऊपर चढ़ जाएगा, फिर यहाँ से सीधा का सीधा जंप लेके एकदम लेस ग्रैब स्पैम करना, ठीक है। जैसे इधर आ जाओगे फिर आप लोग इसकी छत के ऊपर काफी ज्यादा इजीली आ जाओगे और आसपास के काफी ज्यादा किल चुरा लोग। ओके गाइस, पॉइंट नंबर सिक्स में आप लोगों को देखो ऐसे ट्रक हर जगह पे देखने को मिल जाएंगे नूसा मैप के अंदर। फिलहाल मैं इस लोकेशन पे हूं, ठीक है भैया।
साइंस सेंटर के पास में ये लोकेशन पड़ता है। अब भाई मैं आप लोगों को इसके कंटेनर के अंदर देखने का ट्रिक बताऊंगा, यहां तक के कंटेनर के अंदर हाइट भी हो सकते हो, तो उसके लिए आप लोगों को एक एटीवी बाइक चाहिए। और भाई जैसे ही यहाँ पे छोटा सा गैप देखने को मिले, आप लोगों को एफपीपी स्विच करके यहाँ पे बाइक देखो बीचों बीच लेके आ जाना होगा दोनों एंगलों के, ठीक है। अब भाई जैसे ही यहाँ पर बीचों बीच एंगल आ गया, ठीक है, तो सीट चेंज करके यहाँ पे एफपीपी स्विच करके बैठ जाना। अब भाई देखो अपना टीममेट है ना, जैसे यहाँ पे कंटेनर के ऊपर चढ़ेगा तो कंटेनर के बिल्कुल अंदर का देख सकते हो आप लोग। और देखो भैया मेरे टीममेट को भाई किसी एनिमी ने मार दिया, लेकिन 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 यहाँ पे ट्विस्ट है गाइस, यहाँ पे देखना आप लोग। अब देखो एनिमी मेरे टीममेट को फिनिश करने आ रहा, तो मैं जैसे ही यहाँ से बाहर निकला और भैया एनिमी को पता ही चला, एकदम भाई एनिमी को सरप्राइज दे दिया। तो आप लोग भी कुछ इस तरह से एनिमीज को सरप्राइज दे सकते हो यार। पॉइंट नंबर 7 के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पे ये जो देखने को मिलेगा आप इसके ऊपर चढ़ सकते हो कुछ इस तरह से। यहाँ क्या अगर जंप करोगे तो भैया इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाओगे, ठीक है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर आने के बाद यार आप लोग काफी ज्यादा अच्छा खासा कोड लेके यहाँ पर आप लोग अच्छा खासा किल कर सकते हो। अब यार देखो यहाँ पर क्या था, आपको पता है यहाँ पे बिल्ड ये जो पार्ट है ना भाई, यहाँ पे जिप लाइन की मदद से बंदे आते जाते रहते, ठीक है। तो यार आप लोग काफी ज्यादा इजीली यहाँ से किल चुरा सकते हो। और भाई यार यहाँ पे देखो सामने की तरफ वो ब्रिज है, वो वाला ब्रिज कौन सा है ये आपको पता है भाई यार, वो है साइंस सेंटर वाला, ठीक है। और साइंस सेंटर भी दिखता है, अगर आपके पास अच्छा खासा स्कोप है तो भाई यार यहाँ से किल चुरा सकते हो अच्छे खासे एंगल बनाने के साथ। पॉइंट नंबर 8 के अंदर भाई यार मैं आपको बताऊंगा, देखो ऐसे कंटेनर हर जगह पे देखने को मिलेंगे, मैं फिलहाल इस लोकेशन पे हूं। तो यार आप लोग क्या करो यहाँ पे है ना, इसके अंदर आप लोग चुपचाप लेट जाओ और भाई यार बोट फायर करके बंदों को बुलाओ भाई। जैसे ही बंदे आए ना तो भाई यार लिटरली भाई बंदों को बिल्कुल सरप्राइज दे दो, बंदों को नॉक एंड फिनिश डाल दो भाई यार। पॉइंट नंबर 9 के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई यार, देखो आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आके बैठ जाना होगा बिल्कुल भाई। अब देखो यहाँ पर बैठने का फायदा क्या पता साइंस सेंटर के अंदर, अब भाई पीछे की तरफ कोई भी विंडो नहीं है, पीछे की तरफ आपसे फुल कवर रहेगा, सामने से बंदा आएगा बस फटेक से निकल के भाई यार बंदे को सरप्राइज दे देना है और काफी अच्छे खासे किल कर लेना है भाई। ओके गाइस यार पॉइंट नंबर 10 के अंदर मैं आपको बताऊंगा, आप देखो भाई सीढ़ियों पे कभी भी बंदे अगर कुछ इस तरह से बैठे रहते तो आप लोग कैसे भाई यार उनको नीचे रहते थे एक ग्रेनेड के अंदर पूरी स्कोट उड़ा सकते हो जो सीढ़ियों पे रहे, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना होगा, जब भी आप नीचे रहो ना तो आपको इस लोकेशन पे आ जाना होगा। अब देखो एक तो मेरा भी हो, एक मेरा टीममेट का भी हो, दोनों बारी से अलग अलग तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। तो देखो फर्स्ट टाइम में मैंने जिस बॉक्स में ग्रेनेड मारा, अगर आप लोग यहाँ पे ग्रेनेड मारोगे तो देखो यहाँ पे सीढ़ियों की इस वाली लोकेशन पे ग्रेनेड आएगा, जैसे कि आप लोग लेफ्ट साइड की तरफ देख ही सकते हो, ठीक है। तो भाई यार ये लोकेशन पे ग्रेनेड आएगा, यहाँ से मारने से मेरा क्रॉस देखो राइट साइड में ग्रेनेड वाला, ठीक है। तो मैंने ये चीज बता दी। अब भाई यार मैं आप लोगों को ना भाई यार ऊपर की तरफ जाके ये एक चीज दिखा देता हूँ कि भाई यार यहाँ पर है ना भाई जितने भी बंदे रहेंगे ना यार लिटरली भाई एक भी बंदे नहीं बचेंगे जो कि सीढ़ियों पे रहेंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट से अपने टीममेट को रिवाइव दे देते हैं, फिर आप लोगों को इसके नीचे की तरफ और ग्रेनेड डालने की ट्रिक बताऊंगा। जैसे कि भाई यार यहाँ पर रहता है, ठीक है, और मान लो कोई बंदे ये जो सीढ़ी है, ठीक है, इसके अंदर की तरफ रहते हैं, मतलब थोड़ा और नीचे की तरफ रहे, तो भाई यार उनको कहां तक ग्रेनेड डालना चाहिए तो वहां पे बंदा मरेगा, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं आके बैठ चुका हूं, ठीक है, आप लोग देखना। अब दूसरी वाली स्क्रीन में देखो मेरी लेफ्ट साइड में, ठीक है, मेरे टीममेट को, ठीक है। अब देखो मेरे टीममेट जो है ना भाई यार ग्रेनेड भाई दूसरे वाले बॉक्स में मार रहा है, ठीक है। मैंने अलग बॉक्स में मारा था राइट वाली स्क्रीन में, लेफ्ट वाली स्क्रीन में देखो मैंने दूसरे वाले बॉक्स में मारा था, और ग्रेनेड की लोकेशन देखो भाई ग्रेनेड कहां पे जाके गिरा, तो लिटरली जहां पे जितने भी बंदे रहेंगे पूरी की पूरी स्क्वाड ले जा सकते हो नीचे रहते रहते। तो यार ये वाला वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ये ट्रिक्स कैसा लगा, इवन भाई यार जितना भी मैंने आप लोगों को नूसा मैप का टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स यार पॉइंट बोलो टिप्स एंड ट्रिक्स बोलो कुछ भी बोलो यार आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। नेक्स्ट वीडियो कौन सा मैप पे चाहिए ये भी।